सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोए सपिसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणे, मंगलं कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याण कारकं, प्रधानं सर्व धर्मानां, जैनं जयतो शासनं, जैनं जयतो शासनं। मंगलमय मंगलकरं, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा, पावे निज पदरा। मिथ्या भाव अभाव ते जो पगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय, यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री ठोडामल जी, उनके द्वारा रचित उनकी यह मौलिक कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि नौ अधिकारों में निबद्ध है और अपने आप में अनुपम एवं अद्भुत है, उसके दूसरे अधिकार पे हमारी चर्चा चल रही है, जो कि हमको संसार अवस्था का निरूपण बताने वाला है। उस संसार अवस्था को हमको बताने वाला है, ये दूसरा अधिकार, ये एनालिसिस करके हमको ये बताने वाला है कि तुमको ये संसार अवस्था है, तुमको ये कर्म बंधन रूपी रोग है। ये निश्चय कराने वाला अधिकार है कि अभी हमको ये निश्चय नहीं है कि हम रोगी हैं, हम संसारी हैं, हम दुखी हैं। तो ये अधिकार हमको ये निश्चय कराएगा कि तुम संसारी हो, तुम दुखी हो, तुम रोगी हो, तुमको कर्म बंधन रूपी रोग है। ये निश्चय कराने के लिए ये अधिकार है। उपाय तो अगले अधिकारों में आएगा, लेकिन यहां तो ये बता रहे हैं कि तुम संसारी हो। पहले ये तो मानो कि तुम रोगी हो। यदि यही नहीं मानोगे कि तुम रोगी हो, तो रोग को दूर करने का उपाय क्यों सुनोगे और क्यों मानोगे और क्यों समझोगे? जैसे यदि किसी रोगी को, कोई रोगी है और वो ये माने कि नहीं मुझे कोई रोग नहीं है, भाई डॉक्टर कह रहा है कि तुमको फीवर है, लेकिन तुम कहो नहीं मुझे कोई फीवर नहीं है, मुझे फीवर है ही नहीं, और फिर डॉक्टर बोले कि भाई फीवर का उपाय तो सुनो, फीवर दूर ऐसे हो जाएगा, ये दवा लिया करो, ये दवा लेने से दूर हो जाएगा, तो ना तो तुम डॉक्टर की सुनोगे, ना तुम दवा को लोगे और ना वो दवा को लेकर रोग को दूर करोगे, क्योंकि तुम ये मांग के बैठ गए हो कि मुझे रोग है ही नहीं, मुझे ये फीवर है ही नहीं। तो ऐसे ही जिन्होंने ये मान लिया कि हमको कर्म बंधन रूपी रोग है ही नहीं, हम संसारी है ही नहीं, हम दुखी है ही नहीं, तो फिर वो दुख को दूर करने का उपाय नहीं करेंगे, वो कर्म बंधन को दूर करने का उपाय नहीं करेंगे। इसलिए इस अधिकार में ये निश्चय कराया जा रहा है कि तुम रोगी हो। जिसको फीवर है उसको डॉक्टर ये निश्चय करा रहा है कि तुमको फीवर है, कारणों को बता के, अवस्थाओं को बता के ये निश्चय करा रहा है कि तुमको फीवर है। यही तुम ये निश्चय कर लोगे कि मुझे फीवर है, तो भी तुम डॉक्टर की सुनोगे भी और उस वैद्य की सुन के उसकी दवा को ग्रहण भी करोगे और ग्रहण करके अपने रोग को दूर भी कर लोगे। तो जब तक तो निश्चय नहीं करोगे, जब तक तो तुम ना सुनोगे, ना समझोगे, ना मानोगे, ना ग्रहण करोगे, ना रोग को दूर कर पाओगे। इसीलिए यह अधिकार यह निश्चय कराने वाला है कि तुमको ये कर्म बंधन रूपी रोग है।
तो उसका हमें निश्चय करने के लिए यहाँ आए हैं कि ये संसार अवस्था हमारी है किसी और की नहीं है। कि ऐसा नहीं कि वे कर्मों के कारण दुखी हो रहे हैं, कर्म ने हमको दुखी किया हुआ है कि नहीं। कर्म तुमको ना दुखी कर सकते हैं ना सुखी कर सकते हैं। सुखी दुखी सब अपने से होते हैं, यह बात जिनेन्द्र देव ने कही है और आचार्य कुंद कुंद ने समय सार परमागम के बंध अधिकार में लिखी है कि पर द्रव्य तुमको सुखी दुखी नहीं कर सकते। ये कर्म पर द्रव्य है कि जीव है कि तुम्हारा स्वयं का द्रव्य है। तुम फिर ये तो विश्वास करो, ये तो समझो कि कर्म पर द्रव्य है कि नहीं है। क्यों कर्म द्रव्य क्या है? कामन भगना पुद्गल भगना है। और जब वो पुद्गल है तो तुम पुद्गल हो कि क्या हो? कि तुम पुद्गल नहीं हो, तुम जीव हो। और जब तुम जीव हो और ये पुद्गल है तो ये कर्म पर द्रव्य है। और जिनेन्द्र जब कह रहे हैं कि पर द्रव्य तुमको सुखी दुखी नहीं कर सकता, इसका मीन्स है कि कर्म तुमको सुखी दुखी नहीं कर सकता। उस कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो तुमको सुखी या दुखी कर दे। और जब कर्म में ये सामर्थ्य नहीं है और हम ये मान के बैठे हैं कि कर्म हमको दुखी कर रहा है, कर्म हमको सुखी कर देगा, तो हमारी ये मान्यता कैसी है? जैसे गधे के सींग होना, जैसे बिस्को खा के जीवित रहना, वो ऐसे भाई ये मान्यता है कि कर्म हमको दुखी या सुखी करते हैं। इसलिए भाई वास्तव में तुम दुखी का कारण क्या है, दुखी होने का, वो विश्वास तो करो। और दुखी किससे हो रहे हो अभी उसका भी बताएंगे कि तुम्हें दुख किस प्रकार हो रहा है, उसके कारण क्या क्या अवस्था हो रही है, दुखी किस किस प्रकार से हो रहे हो। तो पहले विश्वास तो करो कि तुम दुखी हो। वो विश्वास दिलाने के लिए पंडित टोडरमल जी ने दूसरा अधिकार लिखा। कितनी करुणा होगी पंडित टोडरमल जी की, वो चाहते तो सीधा मुचमा का उपदेश लिख देते, लेकिन उन्होंने कितना विचार किया होगा, कितना हम पे करुणा की होगी कि लोग अभी यही नहीं समझ रहे हैं कि वो रोगी है, वो दुखी है, वो संसारी है। इसलिए पहले इनको ये तो बताया जाए कि भाई तुम संसारी हो, तुम रोगी हो, तुम दुखी हो। और ये बताने के लिए करुणा बुद्धि के करुणा पूर्वक उन्होंने हमको ये लिख के दिया, ये अमूल्य निधि हमको दी कि हम निश्चय कर सके कि हम संसारी हैं, दुखी हैं, रोगी हैं। तो इसके लिए हमें दूसरे अधिकार पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले पंडित टोडरमल जी कर्म बंधन का निदान बता रहे हैं कि तुमको ये कर्म बंधन हुआ कैसे है, उसके पीछे कारण क्या है। देखो ये कार्य हुआ कैसे है, इसका पता कैसे करोगे? ये कार्य कैसे हुआ ये कैसे बताओगे? कारण से बता पाओगे? यदि कारण से ही बताओगे किससे बताओगे फिर ये कार्य कैसे हुआ है? भाई आपको उस कार्य की जांच करनी है कि वो कार्य हुआ कैसे है, तो जांच तो कारण से कर पाओगे कि आज इतने लोगों में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उसकी जांच करनी है हमको ये कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है। तो जांच होगी कैसे कि वो कारण है जो फैलने का, उस कारण से जांच होगी कि उस इसका जो कारण है लोगों के टच में आने का, उसके कारण ये फैल रहा है, तो कौन व्यक्ति किससे संपर्क में आया, किसके संपर्क में कब आया, कैसे आया, उसके हिसाब से उसकी जांच होगी। यदि वो कारण पता नहीं रहेगा जांच नहीं होगी। इसलिए यहाँ उस कारण के माध्यम से जांच कर रहे हैं। तो यहाँ निदान में वो कारण बताना चाह रहे हैं कि कर्म बंधन का कारण क्या है वास्तव में। तो उससे हमने देखा था कि अनादि से कर्म संबंध है हमारे साथ, लेकिन अनादि से कर्म संबंध होते हुए भी जो नए नए कर्म प्रतिष्ठान बांध रहे हैं उसका कारण क्या है, तो हमने देखा कि मोहिनी उसका कारण है। और उसमें भी कर्म बंध चार तरह का होता है, प्रकृति, प्रदेय, स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति प्रदेय किससे होता है, स्थिति अनुभाग किससे होता है? तो प्रकृति प्रदेश भी योग से होता है, उसकी भी हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी, हमको चिंता करनी है स्थिति अनुभाग की। क्यों? क्योंकि वो कषाय से हो रहा है और वो कषाय भाव ही कर्म बंध का कारण है। इसलिए हम स्थिति अनुभाग पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमारी चर्चा ये हुई थी कि स्थिति बंध भी परिणामों के अनुसार हो रहा है, अनुभाग बंध भी परिणामों के अनुसार हो रहा है, क्योंकि दूसरा द्रव्य कुछ नहीं करा रहा है उसमें।
स्थिति भी बांध रहे हो तो तुम अपने परिणामों से बांध रहे हो, उसका अनुभाग भी बांध रहे हो तो अपने परिणामों से बांध रहे हो। स्थिति अनुभाग का अर्थ आपको भलीभांति ख्याल में है ही, उसको हम बता ही चुके हैं। तो तुम उनको बांध कैसे रहे हो कि अपने परिणामों से बांध रहे हो, अथवा जैसे परिणाम वैसे बनेंगे, कि स्थिति कब कम बनती है, किस प्रकृति की स्थिति कम बनेगी, किस प्रकृति की स्थिति ज्यादा बनेगी, और कम कौन से परिणामों से बनेगी और ज्यादा कौन से परिणामों के बनेगी, उस पर हमने कल चर्चा की थी। उसके बाद फिर अनुभाग में भी हमने लिया था कि कौन सी प्रकृति का कितना अनुभाग किस परिणाम से कैसे बनेगा, उस पर हमने कल विचार किया था। उसमें लास्ट में आया था कि घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। तो अल्प कषाय में अल्प अनुभाग बनेगा और बहुत कषाय में बहुत अनुभाग बनेगा। और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उन पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय में बहुत अनुभाग बनेगा और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनेगा। तो ये सब किसके अनुसार है कि ये सब तुम्हारे परिणामों के अनुसार है, कि तुम्हारे परिणाम विशुद्ध रूप है कि तुम्हारे परिणाम संकलेश रूप है, किस रूप में तुम्हारे परिणाम उसके अकॉर्डिंग वो बात है। तो ये जो हमारी कर्म प्रकृतियां 148 कर्म प्रकृतियां, उन 148 कर्म प्रकृतियों में से जो प्रकृति पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अल्प कषाय से बहुत अनुभाग बनेगा, और जो पाप प्रकृतियां हैं उनका बहुत कषाय से बहुत अनुभाग बनेगा। तो अनुभाग आपको बहुत बांधना है तो कौन सा अनुभाग बांधना, अच्छा वाला कि बुरा वाला, कि वास्तव में तो अनुभाग बांधने लायक ही नहीं है, वो अनुभाग बंद करने लायक ही नहीं है। जो लोहो बेरी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, कि ना तो लोह की बेरी से बंधना अच्छा है ना स्वर्ण की बेरी से बंधना अच्छा है, वैसे ही ना अच्छा अनुभाग बांधने योग्य है ना बुरा अनुभाग बांधने योग्य है। लेकिन फिर भी जब तक अनुभाग बंद हो ही रहा है ना, तो तब तक कम से कम बुरा तो बुरा अनुभाग तो नहीं बांधे। यदि हमने विशुद्ध परिणामों से अच्छा अनुभाग बांधा तो उस अनुभाग बंधने में जब उसका फल आएगा, उसका उदय आएगा प्रकृति का, प्रकृति के उदय में जब वो अच्छा अनुभाग देगा तो उस समय हमको देवसाज गुरु की सुलभता हो सकती है। सच्चे देवसाज गुरु मिल जाए, उनके द्वारा सच्चा धर्म का स्वरूप जानने को मिल जाए, वस्तु स्वरूप जानने को मिल जाए, समझाने बारे मिल जाए, ये सब जितने भी अनुकूल संयोग बनेंगे जो हमें अपनी सुख की प्राप्ति में कारण बन सकते हैं, वो कारण भी शुभ विशुद्ध परिणामों से जो आपने अनुभाग बांधा है उसके आधार पर मिलेंगे। तो इसीलिए प्रति समय परिणामों की संभाल तो भाई आवश्यक है, प्रति समय परिणामों की संभाल तो हमको रखनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा आपकी हमको नहीं करवाएगा। तो इस प्रकार विचार करें वास्तव में, और देखो उसमें भी जो हमारी प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों में भी कुछ प्रशस्त प्रकृतियां हैं कुछ अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, कि कुछ तो शुभ रूप है कुछ अशुभ रूप है ना। तो इस प्रकार से जो प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों में जो अनुभाग बन रहा है वो हमारे परिणामों से बन रहा है, निश्चय करो। स्थिति बन रही है अपने परिणामों से बन रही है, परिणामों की संभाल करो। अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि परिणामों से बन रहा है वो तो ठीक है, कि इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ, इसीलिए कषायों द्वारा स्थिति बंद अनुभाग बंद का होना जानना, कि कषायों के द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग हो रहे हैं, इसलिए कषायों के द्वारा होना जानना और स्थिति अनुभाग बंद नहीं करना हो तो कषाय मत करो। कि कषाय करोगे अपने परिणाम करोषित रखोगे संकलित परिणाम रखोगे तो स्थिति अनुभाग बंद होगा ही होगा। इसलिए कषाय रहित होना ही शेष कर है, मंद कषाय भी रखने जैसी नहीं है। लेकिन जब तक कषाय रहित नहीं हो रहे हो तब तक तीव्र कषाय को छोड़ के मंद कषाय रूप रहकर अपने कार्य की सिद्धि में लगे रहो तो कषाय रहित भी हो जाओगे।
लेकिन तीव्र कषाय रूपी हो रहे हो तो कषाय रहित नहीं हो पाओगे भाई। तीव्र से मंद में तो आना ही पड़ेगा तुम्हें पहले, तभी तुम कषाय से रहित हो पाओगे। इसीलिए कषाय करने जैसी नहीं है, कषायों के द्वारा स्थिति अनुभाग बंद जानना। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहां जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मुक्तता उत्पन्न करने की शक्ति है तो वह मदिरा हीनपने को प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त हैं, तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त हैं। कि जैसे क्या है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल सरल है बहुत, कि जैसे मदिरा है, तो मदिरा है यदि उसमें थोड़े से काल के बाद की थोड़े से समय में ही उसको पी के किसी में थोड़ी सी उन्मुक्तता आई, कि मदिरा पी के जो उन्मुक्तपना आता है, जो पागलपना आता है, वो पागलपना वो उन्मुक्तपना यदि वो थोड़ा सा आई तो वह मदिरा कैसी है, हीन पने को प्राप्त है। मीन्स वो मदिरा कैसी है, हीन है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्मत्त नहीं कर रही है जीव को, बहुत ज्यादा पागल नहीं कर रही है जीव को। और यदि कोई मदिरा है कि वो मदिरा थोड़ी है तो वो मदिरा बहुत सारी मदिरा है, और बहुत सारी मदिरा होने पर भी वो थोड़े से काल में ही थोड़ा सा उन्मत्तता दे रही है तो हीन पने को प्राप्त है। और यदि थोड़ी सी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल तक बहुत ज्यादा जीव को पागल करने की, उसको उन्मत्त करने की शक्ति है तो फिर अधिक पने को प्राप्त है। मीन्स क्या, मीन्स ये कि यदि वो चीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने पर भी थोड़े से काल के लिए थोड़ा सा ही फल दे रही है तो उसको हम बहुत ज्यादा काउंट नहीं करते। और यदि कोई चीज थोड़ी सी है, इतनी सी भी है, लेकिन वो बहुत काल तक बहुत ज्यादा फल देने वाली है, बहुत ज्यादा पागलपन देने वाली है तो उसको हम बहुत ज्यादा गिनते हैं, है ना। तो उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं, कि कर्म प्रकृति परमाणु क्या करते हैं, कि यदि मान लो कर्म प्रकृतियों के बहुत सारे परमाणु भी हमने ग्रहण किए, अपने परिणामों से कर्म प्रकृतियों के बहुत सारे परमाणु ग्रहण किए, लेकिन वो परमाणु थोड़े काल के लिए बने और थोड़े काल में थोड़ा सा ही फल देकर चले जाएं, तो उनसे बहुत ज्यादा हिम्मतहीन पने को प्राप्त है वो, उनसे हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थोड़े से भी हो कर्म परमाणु और वो बहुत काल तक और बहुत ज्यादा फल देने वाले हैं तो अधिक पने को प्राप्त है। मीन्स या कहने का मतलब क्या, दूसरी तरीके से हम देखें कि जैसे केवली भगवान है, तो केवली भगवान ने घातिया कर्मों का नाश कर दिया। अब घातिया कर्मों का नाश कर दिया तो उनको प्रकृति प्रदेश भंग तो हो रहा है कि कर्म के परमाणु ग्रहण कर रहे हैं वो, लेकिन वो कर्म के परमाणु आ रहे हैं और तुरंत जा रहे हैं, कि थोड़ा सा काल रह रहे हैं, थोड़ा सा काल भी नहीं, आए गए ऐसा हो रहा है। तो थोड़े से काल के लिए और थोड़ा सा फल क्या है कि वो भी मुक्त नहीं हुए, कि है संसार अवस्था में, दुखी नहीं कह रहे, लेकिन वो थोड़ा सा फल दे रहे हैं बस। थोड़ा सा फल क्या दे रहे हैं कि वो मूर्छ अवस्था प्रकट नहीं होने दे रहे, बस इतना सा फल दे रहे हैं, दुखी वगैरह कुछ नहीं कह रहे हैं वो। तो उनको वो हीन बने को प्राप्त है कि केवली भगवान भी डरते नहीं कर्मों से, कि उनको पता है कि ये तो तुरंत नष्ट हो जाएंगे, तुरंत नष्ट कर सकते हैं इनको हम, कि वो हीन बने को प्राप्त है, उनसे बहुत ज्यादा वो मीनिंगलेस है एक तरह से, कि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है वो। लेकिन जो गातिया कर्म की प्रकृतियां हैं, मोहिनी प्रकृति है जैसे, अब मोहिनी प्रकृति के थोड़े से परमाणु भी तुमने ग्रहण किए कर्म परमाणु, और वो मोहिनी प्रकृति कैसी है उसकी स्थिति पर बताया था मैंने, उत्कृष्ट कितना है, 70 करोड़ सागर सबसे ज्यादा, बाकी सबका 30 से नीचे है, और इसका डायरेक्ट 70 करोड़ सागर, मीन डबल से भी ज्यादा। तो बहुत काल
पर्यंत तक बहुत ज्यादा फल। कितना ज्यादा फल? कि संसार में रुला रहा है, संसार भ्रमण कर रहा है, प्रति समय जीव को दुखी कर रहा है, इतना ज्यादा फल देने वाला है तो अधिक पने को प्राप्त है। तो ऐसा ही प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुवाद में जानना कि वो बहुत सारी मदिरा भी हीन पने को प्राप्त है यदि थोड़े काल के लिए थोड़ा सा फल देने वाली है, और थोड़ी सी भी मदिरा अधिक पने को प्राप्त है यदि वो बहुत काल पर्यंत तक बहुत ज्यादा फल देने वाली है। इस उदाहरण के माध्यम से ये समझाया है। फिर देखो उसमें आगे कही रहे हैं, इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंद प्रदेश बंद बलवान नहीं है। कह दिया ना वही वाली बात कि इसीलिए योगों के द्वारा जो प्रकृति बंद प्रदेश बंद हो रहे हैं वो प्रकृति बंद प्रदेश बंद बलवान नहीं है, क्योंकि थोड़े से काल में थोड़ा सा फल देकर जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, तुमको संसार में दुखी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा संसार भरा नहीं रहे हैं, आए और गए इस तरह की उनकी व्यवस्था रहती है। तो इसीलिए वो प्रति समय आ रहे हैं और प्रति समय जा रहे हैं, वो तुम्हारा संसार नहीं बढ़ा रहे, तुमको दुखी नहीं कह रहे, थोड़े से काल के लिए थोड़ा सा फल दे रहे हैं। तो इसीलिए वो हीन बने को प्राप्त है, बलवान नहीं है कि उनको हम बलवान नहीं कहेंगे कि हम उनको बलवान कहें कि नहीं, बलवान नहीं है। तो वो जो परमाणु है जो योग से हो रहा है वो बलवान नहीं है। इस प्रकार हमें इस प्रकृति प्रदेश से ज्यादा स्थिति अनुभाग का विचार करना है, वो कषाय से हो रहा है इसीलिए हमको कषाय भाव से डरना है, कषाय भाव से बचना है। तो इस प्रकार हम कषाय भाव से बचें कि जो योग के द्वारा प्रकृति प्रदेश बंद हो रहा है वो योग के द्वारा जो प्रकृति प्रदेश बंद हो रहा है वो बलवान नहीं है, वो हमको संसार भ्रमण का कारण नहीं है, वो हमको संसार भ्रमण नहीं करा रहा है। तो जो हमको संसार भ्रमण करा रहा है हमें तो उस पर विचार करना है। तो संसार भ्रमण हमको क्या कौन करा रहा है वो हमको देखना है कि वास्तव में संसार भ्रमण करा कौन रहा है हमको। तो कह रहे हैं कि जो प्रकृति प्रदेश बंद है वो बलवान नहीं है, कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंद अनुवाग बंद ही बलवान है। कि कषायों के द्वारा जो स्थिति बंद अनुवाग बंद किया गया है वो बंद जो है वो बलवान है, वो हमको दुखी कर रहा है, वो हमको संसार में भ्रमित कर रहा है, उसके द्वारा हम संसार में भ्रमित हो रहे हैं। तो हमको भ्रमित नहीं होना तो हमको कषाय नहीं करनी, क्योंकि योग से तो जो प्रकृति प्रदेश बंद हो रहे हैं ये कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योग से जो प्रकृति प्रदेश बंद हो रहे हैं वो योग से होने वाले प्रकृति बंद प्रदेश बंद बलवान नहीं है, क्योंकि वो हमको संसार में रुला नहीं रहे, वो हमारा संसार बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि केवली भगवंतों को भी प्रकृति प्रदेश बंद है लेकिन वो उनको भ्रमित नहीं करा रहे संसार में, कि वो थोड़े काल के लिए थोड़ा सा फल दे रहे हैं, अनुमात्र फल दे रहे हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, कि वो फल जैसे जिसकी गिनती नहीं है, जिसको गिना नहीं जाता, वो हीन बने को प्राप्त है। तो ऐसा वो प्रकृति बंद और प्रदेश बंद है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंद प्रदेश बंद बलवान नहीं है, कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंद अनुवाग बंद ही बलवान है। तो बलवान कौन ठहरा कि कषाय के द्वारा जो बंद किया जा रहा है, कषाय के द्वारा कौन सा बंद किया जा रहा है, स्थिति बंद और अनुवाग बंद, भाई बलवान है, भाई बंद का कारण है, भाई रोग का कारण है, भाई संसार में दुखों का कारण है, भाई संसार भ्रमण का कारण है। यदि स्थिति अनुवाग बंद खत्म हो जाए, यदि स्थिति अनुवाग बंद होना बंद हो जाए तो प्रकृति प्रदेश बंद में सामर्थ्य नहीं है कि वो जीव को संसार में भ्रमित करा दे। और इसके एग्जाम्पल है केवली भगवान कि जिन्होंने घात या कर्मों का नाश कर दिया, स्थिति अनुवाग बंद होना बंद हो गया तो प्रकृति प्रदेश बंद में ताकत नहीं कि उनको संसार में रुला दें, कि उनको दुखी कर दें।
तो थोड़े काल के लिए थोड़ा सा फल देने की शक्ति है उनमें बस, इसलिए वो हीनपने को प्राप्त है। कहते हैं ना लौकिक में हम कि यदि कोई व्यक्ति जैसे कमजोर है तो हम कहेंगे कि इसमें कुछ ताकत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये ना तुम पे हाथ उठा सकता है, ना तुमको पीट सकता है, ना तुमको मार सकता है। तो इससे हमको नहीं डरना, डरना किससे है कि जो बलवान हो, जो तुमको मार सकता हो, तुमको दुखी कर दे, तुमको पीट दे, उससे डरना है। तो ऐसे ये प्रकृति वन प्रदेश वन बलवान नहीं है, ये तो हीन बने को प्राप्त है। जैसे वो मदिरा हीन बने को प्राप्त है, वैसे ये प्रकृति प्रदेश बंद भी हीन बने को प्राप्त है। बलवान तो है कषाय के द्वारा किए गए स्थिति अनुभाग बंद, इसीलिए कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंद अनुभाग बंद ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंद का कारण जानना, इसलिए भाई तुम कषाय को ही बंद का कारण जानो, ना परद्रव्यों को बंद का कारण जानो, परद्रव्य बंद के कारण नहीं है, और जो परद्रव्य बंद के कारण नहीं है, और जो तुम्हारे स्वयं के गुण है वो स्वयं के गुण भी बंद के कारण नहीं है, कि जो तुम उनका विभाग रूप परिणमन कर रहे हो, जो तुम कषाय भाव कर रहे हो, जो तुम अपने परिणामों को कलुषित संकलेश रूप कर रहे हो, वो परिणाम तुम्हारे बंद के कारण है, दूसरा कोई बंद का कारण नहीं है। इससे ये पता चला कि ना तो हमको कर्म बंद करा रहे हैं, ना परद्रव्य बंद करा रहे हैं, कि जो हम प्रति समय सोचते हैं कि ये हमको दुखी कर रहा है, मुझे तो परिवार वालों ने दुखी किया हुआ है, पुत्रों ने दुखी किया हुआ है, पत्नी ने दुखी किया हुआ है, रिश्तेदारों ने दुखी किया हुआ है, मित्रों ने दुखी किया हुआ है, ये लोग दुखी करते रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग लाते रहते हैं, तो भाई उन्होंने दुखी नहीं किया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि बंद का कारण कषाय है, कोई और परद्रव्य नहीं है, इसीलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंद का कारण जानना, कि मुख्य रूप से तो वो कषाय वो मोहिनीय कर्म ही बंद का कारण है, उसी के माध्यम से वो कर्म आ रहे हैं और वही कर्म तुमको दुखी कर रहे हैं। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। क्लियर कह दिया पंडित टोडरमल जी ने कि जिनको बंद नहीं करना हो, जिनको दुखी नहीं होना हो, जिनको संसार में नहीं रहना हो, जिनको संसार भ्रमण का नाश करना हो, जिनको मुक्त अवस्था को पाना हो, जिनको अनंत सुख पाना हो, अनंत ज्ञान पाना हो, वो कषाय नहीं करें। कषाय करने से आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि कषाय दुख में ही है, दुख का ही कारण है, दुखी देने वाले हैं, कि वो कषाय कारण भी दुख का है और फल भी दुखी देगी, क्योंकि दुख के बीज होने पर तो दुखी होगा। पढ़ा था सुनता छोटा सी में, आप तो ध्यान कर बीज दुखों के बोना तो अविवेक हो, कि हमारी मूर्खता है कि हम जानते हुए भी कि हमने ये जान लिया कि ये कषाय दुख का कारण है, इन कषायों से दुख हो रहा है, इन कषायों के कारण ही हम अनादि काल से अब तक अनंत दुखों को सहते आए हैं, ने फिर भी कषाय को नहीं छोड़ रहे। तो जब तक कषाय भाव नहीं छोड़ोगे तब तक आपके दुख दूर होने वाले नहीं है, दुख दूर होना प्रारंभ भी नहीं होने वाला। समता भाव धारण करने का नाम है कषाय को छोड़ना, या कहेंगे कषाय को छोड़ने से समता भाव आता है, या समता भाव को धारण करने से कषाय भाव जाता है। तो रखना समता पड़ेगी आपको, जब तक आप समता भाव नहीं रखोगे, जब तक आप वस्तु स्वरूप को नहीं जानोगे, तत्व चिंतन नहीं करोगे, तत्व का विचार नहीं करोगे, होनहार आदि का विचार नहीं करोगे, क्रमबद्ध का विचार नहीं करोगे, तब तक आपकी कषाय को कोई नहीं हटा सकता। कि आप ये सोचो कि हम ये संयोग मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, ये संयोग हमको मिल जाए तो हम कषाय नहीं करें, कि वास्तव में वो संयोग भी तुमको कषाय से दूर करने वाले नहीं है। कि यदि तुमको अच्छे संयोग भी मिले तो अच्छे संयोग तुमको कषाय को दूर करने का उपाय बता सकते हैं। यदि देवशास गुरु मिले तो देवशास गुरु तुमको कषाय को दूर करने का उपाय बता सकते हैं, लेकिन कषाय को दूर तो तुमको ही करना पड़ेगा, देवशास गुरु तुम्हारी कषाय दूर नहीं कर देंगे, वो तो उपाय बताने वाले हैं, वो तुमको समझाने वाले हैं मात्र, करना तुमको पड़ेगा, कि वो कर नहीं देंगे तुम्हारे कषायों को दूर।
तो इसीलिए जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कसाय नहीं करें। तो यदि आपको बंद नहीं करना है तो कसाय नहीं करनी। तो वास्तव में ये पेन तो न कि हमको बंद नहीं करना, भी तो हमको यही नहीं है कि हमको बंद नहीं करना है। हम प्रतिशत बंद कर रहे हैं, बंद से डर ही नहीं रहे हैं अभी हम। अगर हमको डर ही नहीं लगता है कि बंद करने से कोई होता भी है, हमारे महापुरुष सतिया अनंत की सिद्ध भगवान जो सिद्ध हो चुके हैं वो इस संसार से डरे और हम संसार से नहीं डर रहे। पहले दिखा में लिखा था ना कि जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उससे तुम नहीं डर रहे हो कि तुम बड़े क्या हो, ढीठ हो, दुष्ट चित्त वाले हो, कि तुम बड़े सुवट हो। कितनी बार उपमाएं देके हमको जगाया कि किसी तरह से तो ये जीव जगे, इतने कठोर कठोर शब्द बोले कि तुम ढीठ हो, तुम्हारा चित्त दुष्ट है, तुम बड़े सुवट हो कि तुम डर नहीं रहे संसार से, जिससे तीर्थंकर आदि डरे, महापुरुष डरे, उससे तुम डर नहीं रहे हो। हम डर नहीं रहे इसीलिए हम कसाय करना छोड़ नहीं रहे कि जिस दिन हमको डर लग जाए बंद से, जिस दिन हमको ये भाषित हो जाए कि हम दुखी हैं, उस दिन हम कसाय करना छोड़ दें। इसलिए वास्तव में पहले ये विचार करो कि तुम दुखी हो, कि तुम इस संसार में रुल रहे हो, तुमने अनंतों का इसमें क्या क्या दुख नहीं भोगे, नरक के दुख भोगे, निगोद के दुख भोगे, एक इंद्रिय पर्याय के दुख भोगे, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय, इन त्रियंश असंख्य पंचेंद्रिय में त्रियंश पर्याय के दुख भी भोगे, मनुष्य पर्याय के क्या क्या दुख है, अंग सकुस्ते पाई त्रास आती है पहली डाल में कि तुम्हें क्या क्या दुख नहीं भोगे, तुमको पता ही नहीं है। तो भाई पहले जिनेन देव विश्वास करना सीखो। जब तक जिनेन देव विश्वास नहीं करोगे तब तक आप जिनेन देव की वाणी पर विश्वास नहीं करोगे, और जब तक जिनेन देव की वाणी पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप ये मानोगे ही नहीं कि तुम दुखी हो, और जब तक तुम ये नहीं मानोगे तब तक तुम दुख को दूर करने का उपाय भी नहीं करोगे। तो देखो यहाँ तो कारण भी बता दिया, उपाय भी बता दिया कि कसाय ही दुख का कारण है, कसाय ही बंद का कारण है, और जिनको बंद नहीं करना हो वो कसाय नहीं करें, कि जिनको बंद दूर करना है वो कसाय वो दूर करें, कि जिसको ये कार्य दूर करना है वो उसके कारण को दूर करें। कि बंद का कारण कसाय है तो बंद दूर करने के लिए कसाय को दूर करना पड़ेगा तो बंद दूर हो सकता है। तो इसलिए कसाय को दूर करना है हमें, इसीलिए हम सुबह की क्लास में भी यही पढ़ रहे हैं कि कसाय को कैसे दूर किया जाए, कि कैसे समता भाव रखा जाए, कि ये तो विकल्प आ रहे हैं, कैसे संबोधित करें अपने आप को। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समता में हो, तो उस समय भी हमें हमें अपने लिए संबोधन दे समता रूपी संबोधन कि मैं कसाय भाव नहीं जा गए। तो इसीलिए हम सुबह भी यही सीख रहे हैं कि बंद कैसे नहीं हो, क्यों बंद दूर कैसे हो, क्यों दुख दुख दूर कैसे हो हमारा, हम सुखी कैसे हो। और यहां भी वही बता रहे हैं कि तुमको सुखी होना है तो कसाय करना छोड़ो, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसका एकमात्र उपाय यही है कि तुम कसाय करोगे तो दुखी रहोगे और कसाय को दूर कर दोगे तो सुखी हो जाओगे। इसीलिए भाई जैसे बने वैसे करो साधना, जैसे भी हो यह नर भव अब सफल करो, कि जैसे बने तैसे ये कसाय दूर करके अपने नर भव को सार्थक करो, अपनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सार्थक करो और सुख के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें, इस प्रकार हम भी कसाय भावों को ना करके तत्व चिंतन वस्तु विचार करते हुए, वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए, तत्व विचार करते हुए, चिंतन करते हुए समता भाव को रखते करके इन दुख के कारणों को दूर करके सुख की ओर भरें। यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, इसी दिशा में हमारा कार्य होना चाहिए, इसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है। बाकी की चर्चा कल करें। जिनवाणी स्तुति निज निधि।